हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, नियम, इच्छा पूर्ति महा उपाय, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावन प्रदोष व्रत हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही प्रदोष व्रत किया जाता है। सावन मास भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए सावन माह में पड़ने वाला सावन प्रदोष व्रत भी शिव भक्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति करने के लिए खास होता है। तो आइए जानते हैं कि सावन प्रदोष व्रत 2021 में कब रखा जाएगा। सावन प्रदोष शुभ मुहूर्त, सावन माह का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त गुरुवार को पड़ेगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 5 अगस्त शाम को 5:09 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 6 अगस्त को शाम 6:28 पर। गुरु प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 अगस्त शाम 7:05 से रात 9:14 तक। गुरु प्रदोष पूजा विधि, सावन माह में भगवान शिव की उपासना पूरे उत्साह के साथ की जाती है। कहते हैं कि सावन के विशेष दिनों में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन प्रदोष व्रत विशेष दिनों में से ही एक है। 5 अगस्त का प्रदोष गुरु प्रदोष होगा। गुरु प्रदोष का व्रत रखने से जातकों के गुरु ग्रह संबंधी दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और रुके हुए कार्य भी जल्द पूरे होते हैं। गुरु प्रदोष पूजा विधि, सावन माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार के शुभ योग में रखा जाएगा। सावन प्रदोष के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इस दिन पूरे दिन निराहार व्रत रखकर प्रदोष काल अर्थात शाम के समय भगवान शिव की आराधना करें। सबसे पहले महादेव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत से अभिषेक कराकर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, धूप दीप, चावल, फल फूल, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। फिर गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़कर माता गौरी और महादेव के मंत्रों का जाप व आरती कर लें। गुरु प्रदोष नियम, गुरु प्रदोष पर पूरे घर व मंदिर की साफ सफाई रखें। पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। व्रत के दौरान मन में किसी भी तरह के गलत विचार ना आने दें। घर में सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आज के दिन हो सके तो घर में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन का प्रयोग न होने दें। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। सावन गुरु प्रदोष उपाय, गुरु प्रदोष का व्रत करने से जीवन की कठिन से कठिन समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस दिन सुबह के समय एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करें और वहां पर गाय के घी का दिया जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। सावन माह है इसलिए सावन प्रदोष के दिन कम से कम एक लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इससे भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सावन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का शहद से अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है। गुरु प्रदोष के दिन हल्दी, चना, गुड़ और पीले वस्त्र का दान करना चाहिए।